जी ने एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। पहली बार मध्य प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ की सीमा को पार करके गया है और इस बजट में विशेष रूप से अधोसंरचना, जिसमें विशेषकर सिंचाई जो कृषि के लिए सबसे आवश्यक है और मध्य प्रदेश के लिए समृद्धि का कारण बन रही है, सिंचाई के लिए, सड़कों के नेटवर्क के लिए और बिजली के लिए ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 17,000 करोड़ का प्रावधान है। सिंचाई के लिए कृषि और उससे जो संबंधित क्षेत्र है उसको सबको अगर जोड़ लिया जाए तो 37,498 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और विशेषकर सड़क और बिजली और पानी के लिए जो प्रावधान किया है, अंततः उसके कारण विकास दर बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और वो प्रदेश की समृद्धि का कारण बनता है। कृषि के लिए विशेषकर किसानों को ठीक दाम देने के लिए, उचित दाम देने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना इस बजट में लाई गई है और इसके लिए 3,650 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत किसान को उचित दाम देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना एक अभिनव योजना है। बाजार में अगर कीमत गिरेगी तो बिक्री मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच का जो अंतर है उसको किसान के खाते में बजट से, मध्य प्रदेश के खजाने से डाला जाएगा, उसके लिए भी पर्याप्त प्रावधान किया है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह बजट किसानों का बजट है। गरीब कल्याण के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। रोटी, कपड़ा, मकान और पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, इनको अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान है। मकानों की स्थिति गरीबों की अगर आप देखेंगे तो 10 लाख से ज़्यादा मकान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर बनाए जाएंगे, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चों के लिए मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है और विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक बेटा बेटियों के लिए भी जब छात्रावास की व्यवस्था हो और चाहे छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो उसका प्रावधान किया गया है। फसलों में विविधीकरण के लिए उद्यान की पर भी पर्याप्त जोर दिया गया है और प्याज को भी भावांतर भुगतान योजना में सम्मिलित किया गया है। सहकारिता के सेक्टर में अगर हम देखें तो एक नई योजना मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, जिसके अंतर्गत वो किसान जो डिफाल्टर हो गए और डिफाल्टर होने के कारण 0% ब्याज पर कर्ज नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए ऋण समाधान योजना आई है जिसमें उनका ब्याज सरकार भरेगी और बाकी जो मूलधन है उसको किस्तों में वापस लेकर उनको 0% ब्याज का कर्ज देना प्रारंभ किया जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए भी ये बजट वरदान है। 18,165 करोड़ रुपए का लगभग इसमें प्रावधान किया गया है। फ्यूचर ऑफ मीडिया इज डिजिटल टेलीविजन। इंडिया फर्स्ट मोबाइल न्यूज में सबसे आगे है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इंडिया फर्स्ट, सटीक, एक्सक्लूसिव और डिजिटल पिक्चर क्वालिटी। इंडिया फर्स्ट आपको रखता है हर वक्त अपडेट। तो जुड़िए डिजिटल न्यूज के आधुनिक संसार से, जुड़िए इंडिया फर्स्ट से। सब्सक्राइब नाउ indiafirst.online।